मंत्री की सभा होने वाली है, भाजपा की ओर से कुछ डिमांड की गई है, MIM की ओर से भी शहर के विकास के लिए कुछ डिमांड की है खासदार ने, तो कांग्रेस क्यों सामने नहीं आ रही है? शहर का विकास नहीं चाहिए क्या कांग्रेस को? कांग्रेस ने, आप जैसे जानते हैं कि कई दिनों से ये डिमांड रखी है प्रशासन के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, पालक मंत्री जी के पास और हमारे सरकार के महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं उनके पास कि औरंगाबाद शहर की ऐसी अवस्था है जैसे चिराग तले अंधेरा। जैकवाड़ी डैम में पानी होने के बावजूद भी औरंगाबाद वालों को पानी से वंचित रखा जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। हमारी मांगनी है कि हर दूसरे दिन या एक दिन आड़ कम से कम औरंगाबाद वालों को पानी मिले, लेकिन उस मांगनी की तरफ हमारे आयुक्त पांडे साहब का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। रास्तों में गड़े की जब हमने बात की उसके ऊपर भी कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत तो उन्होंने डाकडोगी से थोड़ा काम किया, पैचवर्क किया, लेकिन उसके अंदर भी पैसा काम नहीं हुआ है। और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो काम किए गए वो भी बिल्कुल समाधानकारक नहीं है। अभी आने वाले दिनों में बरसात है, अभी हम देख रहे हैं कि ड्रेनेज कई जगहों पर चौक चुके हैं, तो बरसात से पहले जो है अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो लोगों के घर में फिर पिछले साल जैसा पानी घुसने की समस्या और फ्लैश फ्लड्स की जो समस्या हुई थी अतिवृष्टि के समय वैसी हो सकती है। हमारी मांगनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरफ ध्यान दें, औरंगाबाद वालों को एक दिन आड़ या डेली पानी मिले और एक नया यहाँ पे आयुक्त मिले, ऐसी औरंगाबाद वालों की मांगनी है, क्योंकि हमें लगता है कि कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रही है, फेल रही है। मनपा आयुक्त जो है ये सभी सियासी पार्टियां जो है उनसे खुश है, मुख्यमंत्री भी खुश है, पालक मंत्री भी खुश है, कांग्रेस उनका विरोध क्यों कर रही है? वो तो काम तो अच्छा कर रहे हैं ऐसी भी तो देखा जा रहा है शहर में। मुझे लगता है कोई अंध सेल भी होगा इस शहर के अंदर जिसको ये काम अच्छा नज़र आ रहा है, वरना जिसके पास आंखें हैं, दो आंखें हैं, सही काम करती है, मुझे नहीं लगता कि उसको नज़र आ रहा होगा ऐसा। और रही बात सियासी पार्टियों की, तो थोड़े दिन पहले जब मैं भी उनसे मिलने गया तो साहब आराम फरमा रहे थे, साहब ने मिलने की जहमत नहीं उठाई। और उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष गए वहाँ पर ख्वाजा भाई, उनसे भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से मारपीट की और झड़प की भी खबरें हमने देखी है। तो अगर सब कुछ इस शहर के अंदर ठीक चल रहा है और वो सब मिल रहे हैं तो इतने मोर्चे और इतनी ये हाथापाई क्यों हो रही है कॉरपोरेशन में? सियासी पार्टी के अध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों को साहब नहीं मिल रहे तो फिर सब सही है ऐसा कहना मुझे लगता है ये गलत बात होगी। मुख्यमंत्री को निवेदन दिया जाने वाला है कांग्रेस की ओर से? ज़रूर दिया जाएगा और हमने इससे पहले भी दे चुके हैं, ऐसे नहीं। हमने मांग की है कि महानगर पालिका के श्वेत पत्रिका जाहिर हो इस दो साल के जो कारोबार रहे हैं, क्योंकि जिस स्मार्ट सिटी में और कोरोना के समय जितना फंड्स आया हमको लगता है वो फंड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। उस फंड्स के अंदर भी कई चीज़ों की जाँच करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने मांग की है कि ऑडिट हो और इसकी जाँच हो और महानगर पालिका का श्वेत पत्रिका जाहिर किया जाए।